आज हम आपको बताएंगे कि पीवीसी फोम बोर्ड जो मार्केट में नए चल रहे हैं उनको चिपकाने के लिए हम कहाँ पे गलती करते हैं और हमें उनसे कैसे बचना है। सबसे पहला जो गलती होती है कि हम ठीक से WPC बोर्ड को साफ़ नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे भी नया घर बनता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे आप देखेंगे डस्ट उड़ती रहती है। उस डस्ट को हमें सूखे कपड़े से पूछना ज़रूरी है, अगर आप नहीं पूछोगे तो वो स्ट्रेंथ सही नहीं आएगी। दूसरा, मार्केट में पॉलीफिक्स नाम से WPC ग्लू मिलता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसको हमें नीचे की तरफ ही लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ गिरेगा और स्ट्रेंथ सही नहीं आएगी और अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम सेट कर सकते हैं जब भी हम लगाना हो, हिला सकते हैं, हम पे टाइम है। अगर हमें इसको इंस्टेंट चिपकाना है तो हम स्प्रे का यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टाइम हम स्प्रे करें उस टाइम प्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे हमें दूसरे बंदे की मदद लेने पड़े इसके लिए। स्प्रे करने का फ़ायदा ये है कि हमारा काम इंस्टेंट हो गया। अब इसके अंदर 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है। इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी चिपकाया है। अब मैं इस पर अपना वजन पूरा डाल सकता हूँ एक पैर पर, तब भी इसकी स्ट्रेंथ ये देखिए। अब मैं इस पर पूरा खड़ा हूँ, ये देखिए, ये इस टूटा है, लेकिन ग्लू जॉइंट मेरा मतलब टूटा है, ये खुला नहीं है जोड़, आप देख सकते हैं ये पीस सारा यहाँ पे टूट गया है यहाँ पे। स्ट्रेंथ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी इतना अच्छा काम हो गया। थैंक यू।